भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहे। कंस ने अक्रूर जी को भेजा और अक्रूर जी से कहा कि कैसे भी करके कृष्ण बलराम को ब्रज से यहाँ पर ले आओ। अक्रूर जी ये बात जानते हैं कि ये सिर्फ मारना चाहता है कृष्ण बलराम को। जैसी मैया यशोदा ने सुनी, बाबा नंद ने सुनी, मैया यशोदा बोली ना मेरे लाला कहू नहीं जावेगा। कोई नहीं मैया, तू डरियो मत और सुन, बिल्कुल भी चिंता मत करियो। तू सोच रही होगी कंस मेरो कछु नहीं कर पावेगो, तेरे आशीर्वाद में बड़ो बल है। कृष्ण गए 100 साल तक ब्रज की तरफ मुड़े नहीं, और जब कृष्ण गए तो किशोर जी ने 100 साल तक कृष्ण के सिवा कोई चिंतन किया नहीं। ब्रज का दुख, ब्रजवासियों का दुख कौन वर्णन कर सकता है। हमारे ब्रज में कहते हैं, जाके फटे न पाम बिवाई वो का जाने। ये तो कोई ब्रजवासी जाने जिसको कृष्ण छोड़ के चला गया। जिन ब्रजवासियों का जीवन ही कृष्ण है, कृष्ण नाम है, उनका दुख कौन जाने। श्री कृष्ण चले गए, मथुरा गए, मथुरा में अनेकों दुष्टों का वध किया। सल तोसल मुष्टक चांडूर आदि का, अंत में कंस का भी वध किया। और कंस का वध करके देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया, स्वयं राजा नहीं बने, उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया। राज काज संभालने में नंद बाबा को ब्रज से ब्रज भेज दिया वापस। कृष्ण मथुरा रहे बहुत दिन, ब्रज में नहीं गए। ब्रजवासी ब्रज के दुख की सूरदास जी महाराज ने वर्णन किया बहुत सुंदर। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए वो छोड़ दियो, तवते प्यारी ब्रज गोपी ने पन घट को जाए वो छोड़ दियो। लता पता सब सूख गई। कृष्ण का वियोग से ब्रजवासियों को नहीं था, वृक्षों को भी था। लता पता सब सूख गई, जमुना ने किनारो छोड़ दियो। वहां बीन पखावज धरे रहे, बंसी को बजाए वो छोड़। सूरदास जी कहते हैं गोपीन की दशा कहाई, बोले निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन वर्षत नैन हमारे, थिरन रहत अखियन में अंजन, कर कपोल भय कारे। कंचु की पट सूखत ना कब हो, गोपियों के जो अंग वस्त्र हैं वो सूखते नहीं हैं। क्यों? बोले कंचु की पट सूखत ना कबहु, उर बीच बहत पनारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे। गोपी जब सुबह होती है ना, जमुना जी पे से जमुना जल लाने के बहाने चली जाती हैं और जमुना पे ही बैठ जाती हैं, या तो कृष्ण की बात करती हैं, और बातें नहीं करती हैं तो मौन रहकर लीलाओं का ध्यान करती हैं। फिर वापस कब आती हैं? जब शाम को अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे बोले कि ये काले काले सबई बुरे, चाहे काले कृष्ण हो चाहे काला अंधेरा हो, ये सब बुरे हैं, ये साथ छोड़ के जाते हैं, इसलिए लौट आती है अंधेरा होने से पहले। अच्छा कोई ये भी नहीं पूछता तुम इतनी देर से क्यों आई हो,
क्योंकि पूछेगा कौन, वो भी तो अपने दुख से दुखी है। एक दिन देव की मैया ने कन्हैया को भोजन में सोने की थाली में माखन परोस के रख दिया। जैसे ही माखन रखा, कृष्ण उस माखन को देखते रहे और अचानक से भगवान श्री कृष्ण को उस माखन की कटोरी में माखन की वो पूरी मटकी दृष्टिगोचर होने लगी और माँ यशोदा दृष्टिगोचर होने लगी। और फिर माँ देवकी कहती है, कृष्ण माखन खा लो, मैंने सुना है तुम्हें माखन बहुत प्रिय है। जैसे ही सुना कि तुम्हें माखन प्रिय है, कृष्ण थाली छोड़कर खड़े हो गए और महल की छत पर पहुंच गए और मथुरा से गोकुल की ओर देखने लगे, सोच के कि कोई तो एक हो जो मेरे को ब्रज का संदेश ले आए, कोई तो एक ऐसा हो जो मुझे मेरी मैया यशोदा का संदेश दे दे, मेरी माँ कैसी है, मेरे बाबा कैसे हैं, कोई तो एक हो। इतने में देवी की माँ ने देखा, आज मेरे लाला भोजन की थाली छोड़ गया। उद्धव कृष्ण के सखा भी हैं, मंत्री भी हैं सदन में, सभा में मंत्री भी हैं और मित्र भी हैं, सखा भी हैं। माँ देवकी ने कहा, जरा देखना कृष्ण को क्या हुआ, अभी अभी दौड़ के गया महल की छत पे। तो उद्धव पीछे पीछे दौड़े, उद्धव दौड़ कर गए और आज कृष्ण को उन्होंने एक अजीब स्थिति में देखा कि आज कृष्ण अपनी सुध-बुध भूलकर नैनों से अश्रु बहाते हुए माँ माँ मैया मैया पुकार रहे हैं, मैया मैया पुकार रहे हैं। उद्धव ने पूछा, क्या हुआ, आप ठीक हैं, क्या हो गया? उद्धव से लिपट गए कृष्ण और लिपट कर रोने लगे। उद्धव ने पूछा, आपको क्या हो गया, ऐसा आप क्यों रो रहे हो, यहां किसी ने कुछ कहा आपको? कृष्ण कहते हैं, यही तो दुख है, यहां कोई कहता नहीं है। वो मां कहां है जो कान पकड़ के सुबह खड़ा कर देती थी, वो मां कहां है जो गरम गरम जल से मेरा मुख धोकर अपने आंचल से मेरा मुख पोंछती थी, सुबह उठते ही कहती थी, ले कुछ खा ले फिर बाहर जाइयो, गाय चराने बाद में जाइयो, पहले कुछ खा। अरे सब लोग तो समझते हैं मैं मथुरावासी हो गया, सुख में हो गया, आनंद में हो गया, पर ऐसा नहीं है उद्धव, मैं सुखी ब्रज में था, मैया यशोदा के यहां था, यहां नहीं हूं सुखी में। उधो मैया को सुनाइयो, तेरो लाला दुख पावे। उधो मैया को सुनाइयो, तेरो लाला दुख पावे, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा न पहुंचे समारे, माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कहिया कोई न पुकारे। उधो मैया को सुनाइयो, तेरो लाला दुख पावे। उधो तुम तो मेरे मित्र हो ना, मेरे सखा हो, मैं यहां किसी से अपने मन की बात नहीं कर सकता, तुमसे करता हूं, तुम एक बात मान लो, एक प्रार्थना मान लो, एक बार ब्रज चले जाओ और ब्रज जाकर देख के आओ मेरी मैया कैसी है, मेरे बाबा कैसे, ब्रज की गोपी ब्रज के ग्वाल कैसे है, देखो मैं कैसो कैसो बालक हूं, बुढ़ापे में सब बालक अपने माता पिता की सेवा करें और मैं बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ के चल रहा हूं, एक बार जाके पतो तो कर। उद्धव बोले, आप तो साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं, ऐसा रुदन तो साधारण मनुष्य किया करता है, आप कौन है ये मैं जानता हूं, फिर आप रो रहे हैं। ब्रह्म के नेत्र में अश्रु कैसा, वो तो ब्रह्म ज्ञानी भी तो है,
ज्ञानियों की दृष्टि में ये रोना धोना किसी काम का नहीं। तो उद्धव ने कहा, तुम ब्रह्म हो, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें किसका सुख, तुम्हें किसका दुख? उद्धव से कृष्ण कहने लगे, उद्धव मेरे ब्रजवासी मेरी याद कर करके रोते, और जब ब्रजवासी याद कर करके रोते तो मुझे भी रोना आता है। तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो ना, जाओ मेरे ब्रजवासियों को ब्रह्म का ज्ञान दो, तुम ब्रह्म ज्ञान दो। तो जब वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे तो मुझे याद नहीं करेंगे, वो मेरे लिए रोएंगे नहीं, और जब वो मेरे लिए नहीं रोएंगे तो फिर मैं भी नहीं रोऊंगा। उद्धव को ये बात समझ में आई और उद्धव ने कहा, कृष्ण मैं जा रहा हूं और परसों शाम तक वापस आ जाऊंगा, और परसों शाम तक जब तक वापस आऊंगा कोई भी तुम्हें परसों की बात याद नहीं करेगा। अरे बोले, वो याद करना बंद कर दें तो मैं रोना बंद कर दूं। बोले ठीक। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना पीतांबर उड़ाया, अपना मुकुट पहनाया, और जिस रथ में आए थे उसी रथ में उद्धव को भेजा, और हमारे ब्रज के संत कहते हैं, चले मथुरा से जब उद्धव, चले मथुरा से जब उद्धव, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दे हम प्रेम दीवाने। जब उद्धव आ रहे थे ना, तो उद्धव जहां से आ रहे थे तो उद्धव के वस्त्रों में करील के कांटे चुभने लगे। बमूर है महाराज जी ब्रज में, बड़ी बड़ी कांटे भी बहुत बड़े बड़े, तो वो वस्त्रों में, उद्धव के वस्त्रों में कांटे चुभने लगे। तो जब कांटे चुभने लगे तो मानो कांटे कह रहे हो, जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो तो यहीं से वापस जाओ, जैसे हो वैसे रहना चाहते हो तो यहीं से वापस चले जाओ, अगर यहां से वापस नहीं गए तो तुम ब्रज से वैसे वापस न जा सकोगे जैसे अभी हो, बदल जाओगे, एवरीथिंग चेंज हो जाएगा। उद्धव नहीं माने, और उद्धव ने एक दृश्य देखा, एक ग्वाल बाल मधुमंगल एक वृक्ष से लिपटा हुआ है, और वृक्ष से लिपट कर कह रहा, क्यों रो रहे तू, क्यों रो रहे? वृक्ष से कह रहा, क्यों रो रहे? अरे उस निर्मोही को कोई याद करना चाहिए, वो तो निर्मोही है, छोड़ गए, काहे को रो रहे हो याद करके? सूखे पड़े हो, एक डाल तेरी हरी नहीं, सूख गए हो, अरे भूल जा कृष्ण को, कोई जरूरत ना है ऐसे निर्मोही की याद करवे की। वृक्ष से आवाज आई, मैं तो रोए वो बंद कर दूंगा, पर मोए बताओ तुम क्यों रो रहे हो? तुम भी तो रो रहे हो, तुम्हारे भी तो नैनन में अश्रु बह रहे हो। जैसे कही मधुमंगल लिपट के फूट फूट के रोवे लग गए, हाय हाय मैं कृष्ण को कैसे भूल जाऊं, अरे मो जैसे दीन को अपनो मित्र कहे हो, अपने संग राखे हो, खुद नहीं पावे हो पहले मो ही पवावे हो, हाय हाय ऐसो निर्मोही कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। उद्धव ने देखा ये कोई ब्रज के ही हैं, पूछा भाई नंद बाबा के घर जाना है, मथुरा से आए हैं, क्या हमें लेके चलोगे? क्यों नहीं लेके चले? लेके गए नंद बाबा, मैया यशोदा आंगन में बैठे हैं, धैर्य बंधा रहे हैं एक दूसरे को। अब नंद बाबा की कमर झुक गई है, मैया यशोदा भी वृद्ध हो रही हैं, मेहर लाला आवे गो ना हमारो, परसों की कह के गए हो, एक दिन आवे गो ना, आवे गो ना? नंद बाबा कह रहे चिंता मत करो आवे गो, वो झूठ रहे बोल लो, अरे मां मथुरा में इतने काम है बापे भाई, मैं रह गए हो, एक दिन जरूर आवेगा।
मैया यशोदा रोमती रोमती बोली, मेहर सांची सांची बताओ मेरे प्राण निकलेंगे बातें पहले आ जाएगा कि नहीं आवे। नंद बाबा बोली, बाबरी है गई ये तो, अरे वो हमारा लाला है, एक तना जरूर आवेगो, धैर्य तो धरो। इतने में मधुमंगल दौड़े दौड़ा है, बाबा मथुराते कोई आयो है, मथुराते कोई आयो है, मथुराते कोई आयो है। जैसी सुनी मथुराते आयो है तो वाको स्वागत कियो, सुंदर आसन दियो, बैठायो और फिर कही बताओ हम आप कैसे पधारे, आपको नाम का है तो पूरी बात बताई, मेरो नाम उद्धव है। जाको तुम अपनो बालक समझ रही हो, वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो साधारण बालक नहीं है, वो परम ब्रह्म है, वो तो लीला करवे आए और लीला करके चले गए। अब या में काहे को याद करनो, काहे को रोए, वो ये तो आए और गए। ठीक, मैया यशोदा बोली, कौन है वो? बोले परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म है? बोले हाँ। तो मैया बोली, तेरे परब्रह्म में तो पतोई कि वो परब्रह्म है? बोले हाँ। मोय तो ना पतोई वो परब्रह्म, मोय तो ये पतो है कि जाए तू परब्रह्म कह रहे हो वो मेरो लाला है, और वो मेरो लाला है या लिए मैं वाकू याद कर रही हूं, क्योंकि वो मेरो ही लाला है। और सुन, अपने वा परम ब्रह्म तो कह दियो जाए के कि लाला बन के आए, वो बहुत सरल है, आओ लीला करो और जाओ, बहुत सरल है। पर ब्रह्म ते कह दियो एक बार माँ बन के आ जा, जब माँ बन के आ जाएगो तो पतो चल जाएगी कि कायते माँ कहें और कायते ममता कहें। लाला बन के आए वो तो बड़ो सरल है, कौन सी बड़ी बात है। और सुन, तू का कह रहे, मैं बाकू भूल जाऊं? मैं बहुत प्रयास करूं बाकू भूलवे के, पर जब जब मैं भूलवे को प्रयास करूं तब तब मेरे सामने आ जाए। जाने का होए, जब ही जब आवे। और इतने में ठाकुर जी ने एक लीला करी, गरुण चढ़ गोपाल धाए, तुरंत कन्हैया मथुरा से गरुण पे बैठे तुरंत पहुंच गए। कहां? मैया यशोदा के आंगन में। उद्धव देख रहे हो ये दृश्य? उद्धव ये दृश्य देख रहे हो कि मैया के आंगन में कन्हैया ठाड़े हैं और दोनों हाथ फैला के पतो का कह रहे हैं, मैया अरियो मैया, जाद नाते मथुरा गया हूं, मैंने पेट भर के भोजन नहीं करो, अरियो मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, खावे के लिए माखन हो तो नेक माखन दे दे, नेक सौ सौ माखन दे दे। उद्धव देख रहे हैं वादना तो माखन छोड़ के भाग गए और आज माखन मांग रहे, ये कैसो ब्रह्म। मैया ने जैसी सुनी माखन, तू भूखो है, तू मेरे लाला भूखो है, मैया दौड़ी नित्य मटके, नित्य माखन निकालती मैया, आज भी बुढ़ापे में भी कि जादना आवेगो वादना माखन मांगेगो, आज हूं मैया ने माखन निकालो, मैया दौड़ी माखन की मटकी लेके आई, ले लाला ले, मैं तेरे काजे सद माखन निकालो है, ऐसे ना है मैया तो अपनी गोद में बैठा है, बैठ जा बैठ गोद में बैठ, ले खा ले खा ले, ऐसे ना मैया तो अपने हाथ से खा। मथुरा चलोगो बड़ो नाम है वही तक, छोटो को छोटो ही है, ले माखन खा। ओ मैया यशोदा रोमते रोमते कन्हैया को माखन खवा रही हैं, कृष्ण रोमते रोमते माखन खा रहे हैं, और कन्हैया कभी कभी तो मैया के ठोड़ी ते हाथ लगाए के कहें, मैया एक बात बताऊं, जैसो स्वाद तेरे हाथ के माखन में है, ऐसो स्वाद ब्रह्मांड में कहूं ना है, कहूं ना है। मैया फिर रोवे लग गई, अरे ऐसो ही स्वाद है तो मुझ को बूढ़ी को छोड़ के क्यों चले गए तू? दृश्य हो गए, फिर आदर्श हो गए। मैया कह रही माखन खा ले और खा,
उद्धव दौड़े दौड़े आए, चरण पकड़ लिए मां के, क्षमा करना मैं पहचान नहीं सका मां, आपका प्रेम साधारण नहीं है, बिल्कुल भी साधारण प्रेम नहीं है आपका, क्षमा करना। आप अकेले कृष्ण की मां नहीं हो, आप पूरे विश्व की मां हो, क्योंकि आपने विश्वात्मा को अपना पुत्र बनाया है, पूरे विश्व की मां। मैया, मैं आपके संग और सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूं आपका, मैं जानना चाहता हूं उस निर्मोही निष्ठुर ब्रह्म ने कौन कौन सी लीला यहां पर की है, कैसे कैसे की है, मैं जानना चाहता हूं। पर कुछ संदेश ब्रज की गोपियों का है, मैं उन ब्रज की गोपियों को संदेश देकर आता हूं। मैया बोली, जमुना के तट पर ही बैठी मिलेंगी सबरी, मैं चले हो जाए। सब ब्रज की गोपी उनको संदेश देने श्री कृष्ण का उद्धव जमुना के तट पर पहुंचे, और जमुना के तट पर पहुंचकर गोपियों ने उनका स्वागत किया। जब पता चला वृषणीना प्रवरो मंत्री कृष्णस्य द्वितीयम सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा, आसन दिया, परिक्रमा कराई, परिक्रमा की और फिर पूछा, कहो कृष्ण बलराम कैसे हैं। तब उद्धव कहते हैं, वो तुम तेना दूर ज्ञान की आंख न देखो, वो तुमसे दूर नहीं है, बस ज्ञान की दृष्टि एक बार खोलो। जिन्हें तुम साधारण कृष्ण समझ रही हो, जानती हो वो कौन है? बोले कौन है? वो ब्रह्म है। बोले उदय ब्रह्म का होए? बोले सुनो, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई बिधिना, आनन रहे त सदा रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। हम सबको चलने के लिए पैर चाहिए, उसे नहीं। हम सबको कर्म करने के लिए हाथ चाहिए, उसे नहीं। ब्रह्मांड को, दुनिया को देखने के लिए नेत्र चाहिए, उसे नहीं। सुनने के लिए श्रवण चाहिए, उसे नहीं। वो बिना श्रवण के सुन सकता है, बिना हाथ के कर्म कर सकता है, बिना पैर के चल सकता है, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। उसके वाणी की आवश्यकता नहीं है, पर उससे बड़ा कोई वक्ता नहीं है। नैन वैन नहीं ना सका, कुछ नहीं है, उसके अंग नहीं है, फिर भी वो सर्व संपन्न है। गोपियां बोली, वाह उद्धव, ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि उसके हाथ पांव नहीं है। गोपियों ने कहा, उद्धव जो मुख नाइन हतो कहो किन माखन कायो, गायन के संग कहो कौन है बन बन धायो। तुम कह रहे हो उनके मुख नहीं है तो माखन कैसे खाया, तुम कह रहे हो पैर नहीं है तो फिर गाय चराने के लिए हेलीकॉप्टर से गया था क्या? भाई गाय चराने के लिए तो पैर चाहिए, गायों के पीछे पीछे जाना पड़ेगा, तो बिना पैर के वो गाय चराने वाला कौन है? तुम कह रहे हो हाथ नहीं है, अरे हम ब्रजवासियों को बचाने के लिए कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत 7 दिन धारण किया, तुमने किया था। तुम कह रहे हो उनके नेत्र नहीं है, अरे उनके सुंदर सुंदर नेत्रों में तो अंजन काजल मैंने अपने हाथों से लगाया है। अरे हमको तो ऐसा लगता है उनके तो नेत्र हैं पर तुम्हारे ही नेत्र नहीं है, जो सगुण साकार को निर्गुण निराकार बना रहे हो तुम। उद्धव जी बोले, हमको लगता था कि तुम हमारी बात को समझोगी, ये तो हम पहले से समझते, तुम अनपढ़ हो, कहां से हमारी बात को समझोगी, हमारी बात को तो नहीं समझोगी। पर एक काम तो करो,
प्रेम करती हो कृष्ण से? बोले हाँ। प्रेमी का मतलब जानती हो क्या होता? बोले क्या? बोले अपने प्रेमी की हर बात को मानना। बोला ठीक है, हम तो मानती। बोले लो ये पत्र भेजा है तुम्हारे प्रेमी ने, इस पत्र को पढ़ो। बोले क्या है इस पत्र में? तो कन्हैया उद्धव जी ने वो पत्र दिया, तो एक सखी ने वो पत्र पढ़ा। हम लोग ब्रजवासी ऐसा कहते हैं किशोरी जी ने वो पत्र पढ़ा, बाकी का भागवत में। बोले आइए हम ये पत्र सुनाते हैं। बोले सुनाओ। तो एक सखी पत्र सुना रही है। अहो सखी पाती सुनो, यह जो लिखी ब्रजराज, योग करो भूषण तजो लिखत नाई लाज। सखियो इस पत्र में लिखा है योग करो, योग की साधना करो, वस्त्रों का त्याग करो, भस्म रमाओ। इसमें ये लिखा है। तो उद्धव ने कहा हां तुम अपने प्रीतम की बात को मानो। बोले ठीक है मानती। सब सखियां नेत्र बंद करके जमुना जी की बालू में बैठ गई। सब सखियां नेत्र बंद किया, थोड़ी देर बाद नेत्र खोले। बोले उद्धव। बोले हाँ। बोले तेरा ब्रह्म नजर नहीं आया। कहां है तेरा ब्रह्म? बोले ब्रह्म ऐसे नजर आएगा? ब्रह्म ऐसे? अरे हजारों वर्ष लग जाते साधना करते करते, तुम्हें दो मिनट में ब्रह्म चाहिए? जाके देखो उन तपस्वियों को जो हिमालय की कंदराओं में बैठे ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। तो गोपी बोली तू ही धर राख अपने ब्रह्म में, जो हजारन वर्ष में मिलत होए, हमें हमारो ब्रह्म माने कृष्ण एक क्षण में प्राप्त है जाए, एक क्षण में। बोले एक क्षण में कौन सा ब्रह्म मिले? बोले चल तो दिखा मैं, तू जाने श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। ध्यान से सुनना एक एक शब्द, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम उदो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम ही है श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिन नाहीती है, आधे की सी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। उदो श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई सो बाधाम है। उधो रे तुम भय बोरे जो पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ रखे या तो रोम रोम श्याम, योग कहाँ रखे या तो रोम रोम श्याम। एक एक ऐसा कोई रोम नहीं जिसमें श्याम नहीं, कहां से योग करेंगे? और देखना चाहता हमारे ब्रह्म को, चल दिखाते। और ब्रज की गोपी उद्धव का हाथ पकड़ के लेके गई कहां, ब्रज की सघन लताओं में। और सघन लताओं में जाकर क्या अद्भुत दृश्य देखती है, क्या देखती है जानते हो? एक लता में किशोरी जी विश्राम कर रही है और कन्हैया उनके चरण दबा रहे हैं। दूसरी लता में देख कर गए तो वहां पर किशोरी जी मान करके बैठी हैं और श्याम सुंदर अपना सर झुकाकर उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। त्रिश्री सघन लता में जाके देखा कि वहां किशोरी जी विराजमान हैं और कन्हैया अपने पीतांबर से उनकी हवा कर रहे हैं और कई माखन चुरा रहे, कई मोर बनकर नृत्य कर रहे। उद्धव बोला ये ब्रह्म की दुर्दशा ऐसी ब्रज में? ये ब्रह्म है? कृष्ण के सखा उद्धव उधो सुधो है गयो, सुन गोपीन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो। ये तो प्रेम की बात है उधो, एक पंक्ति गाएंगे। ये तो प्रेम की उधो,
तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। किसी ने प्रेम किया है, किया है कि नहीं? हर चीज की टाइमिंग फिक्स है, 12 बज गए भोजन कर लो, है कि नहीं? रात के 11 बज रहे अब नहीं सोगे, कब सोगे? सो जाओ, है कि नहीं? अरे भैया 7 बज गए, स्कूल शुरू हो गया, क्लास में जाओ। हर चीज की टाइमिंग है कि नहीं? पर प्रेम की टाइमिंग है क्या? 12 बज गए प्रेम शुरू, 12:30 बज गए बोले खत्म स्टॉप, या तो होता ही नहीं, होता है तो फिर कोई टाइम नहीं। और कन्हैया से प्रेम की न तो कोई टाइम की सीमा है और न जीवन की कोई बंधन है। प्रेम वालों ने कब बस उनकी पूजा में सुन ले रे उधो, प्रेम वालों ने कब बस उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, श्रवण कर रहे हैं, भजन में आनंद आ रहा है? अच्छा बताओ, देवान जी ने जो भजन गाया था किस किस को अच्छा लगा? एक बात कहें, धुन और वॉइस चाहे सुनना या मत सुनना, लेकिन उसके शब्द समझने का प्रयास करना। मैं उस दिन से 3 बार सुन चुका हूं उस भजन को। मैंने इसलिए सुना कि उसके वर्ड कितने प्यारे हैं, हालांकि गाया भी उन्होंने बेचारों ने बहुत अच्छा ही है, बार बार सुनने का मन भी कर रहा है। पर जितने भी आस्था पर यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं, आपसे एक निवेदन है, एक बार इस भजन को दोबारा अवश्य सुने और उसके शब्दों को समझे, उसके भाव को समझे, शब्दों को समझे।
और इस भजन के भी भाव को समझिए। लोग पीते हैं पी करके के, हम जो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी करके के, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। मैंने पिया है जाम कन्हैया, जाम कन्हैया, ये अंगूरों का रस तो नहीं है, ये अंगूरों का रस तो नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोधो, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। इन नेत्रों को सुंदरता देखने की आदत है, पुरुष हो तो सुंदरता स्त्री की देखता है और स्त्री हो तो पुरुष की सुंदरता देखती है नजरें। पर ये संसार में जितनी भी सुंदरता है वो एक दायरे तक सीमित है। जवानी में जो बहुत सुंदर दिखते हैं, बुढ़ापे में वो बहुत अजीब हो जाते हैं, और जब वो सुंदर न दिखे तो आंखें किसी और को देखना शुरू कर देती हैं, और यही सिलसिला जारी रहता है। परंतु अगर सुंदरता देखनी है तो मेरे कन्हैया की देखो। जिनकी नजरें मेरे कन्हैया पर टिक गई हैं, फिर उन्हें और कहीं भटकने की आवश्यकता। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जब से के नजरों में श्याम समाए, जिनकी नजरों में श्याम समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती प्रेम बजायो। बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, उद्धव कहते हैं इन नंद बाबा के गांव की स्त्रियों की चरण धूल को मैं वंदन करता हूं, और मुझे तो ब्रज की लता पता बना दो। लता पता भी उस दगरे की बनाना जहां से
ये ब्रज की गोपी आना जाना करती हो, इनके चरणों की धूल उड़े और मेरे सर पे पड़े, जिससे मैं भी सीख सकूं कृष्ण से प्रेम कैसे होता है। भैया ये गोपियों के प्रेम की चर्चा है, इतने कम समय में इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, पर फिर भी अपनी वाणी को विश्राम देने के लिए, कथा क्रम को पूरा करने के लिए उद्धव ने भी गोपियों से प्रेम की दीक्षा ली। जिन जिन लोगों को कन्हैया से प्रेम प्राप्त करना हो, उन लोगों को ब्रजवासियों की उंगली पकड़नी चाहिए और उंगली पकड़कर कन्हैया से प्रेम की भिक्षा मांगनी चाहिए।